बिस्किट खा रही है? हाँ फक, बिस्किट खा रहा मेरा बच्चा। यहाँ से अभी हम लोग को झलना जाना है, झलना जो कि हम लोग की, क्योंकि हम लोग रेलवे स्टेशन जो है ना वो 9:30 बजे हम लोग को। ये है काम आखिर फक। तो भाई अभी करे हम लोग रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद से, यहाँ से अभी हम लोग को झलना जाना है, झलना जो कि हम लोग की, क्योंकि हम लोग की रेलवे स्टेशन जो है ना वो 9:30 बजे हम लोग को 9:30 बजे तक यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो हम लोग 9:30 बजे तक यहीं पे रुकेंगे, उसके बाद अगर हो सका तो उसके 9:30 बजे निकल के फिर यहाँ से अपने को झलना जाके जल्दी जल्दी देखना है। तो गाइस चलो मिलते हैं। खा रही हाँ फक। अरे देवदोस, अरे देवदोस, देवदोस हमारा देवदोस है ये। बिस्किट खा रही है? हाँ फक, बिस्किट खा रहा मेरा बच्चा। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रेन यहाँ पे बीच मेट्रो स्टेशन कने रुक गई, तो यहाँ पे क्या ही है बताने, बहुत ही ज़्यादा चेकिंग चल रही है। ठीक है, भाई पुलिस वाले भी ठहरे हुए हैं यहाँ पे, आपको देखो लाइट टॉर्च ले लेके वो लोग चेक कर रहे हैं, वहाँ पे भी पुलिस वाले चेक करिए, इन लोगों ने पूरा मतलब ज़्यादाबंदी करे हुआ है यहाँ पे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए क्या टाइम हो रहा है, आपको बताऊँगा मैं। अब 2:42 AM हो रहा है, मतलब रात के 2:30 बजने आ रहे हैं यहाँ पे। मैं पुलिस से छुप के यहाँ पे वीडियो बनाया इन लोगों का, मतलब ये पूरी चेकिंग करके सेफ्टी, मतलब पूरे कैसे है क्या नहीं, पूरों की सेफ्टी चेक करते हैं यहाँ पे ये लोग। ट्रेन में सब सेफ़ है ना, क्यों बोल दो, ट्रेन में कभी कभी क्या होता है बोल दो, ट्रेन में फ़ोन्स वगैरह जो भी रहते हैं ना मेट्रो स्टेशन के अंदर, जब ट्रेन रुकती है ना पूरे यहाँ से वहाँ से जंगल में से लोग आके क्या मौसम चोरी करके चले जाते, तो उसके लिए ये पुलिस वालों को रखते हैं यहाँ पे मेट्रो ट्रेन वाले। तो यहाँ पे देखिए 3 बज रहे, 3 बजे लोग पूरी चेकिंग करके मतलब अभी थक गए। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि दिख रहा है कि ये अंकुल यहाँ पे उनके वेदर की वजह से कुछ भी बिल्कुल भी जरा भी कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस। पूरा वेदर देखिए आप लोग यहाँ पे देखे, तो मैं तो खुद परेशान हो गया था कि अंकुल कैसा चला रहे क्या नहीं बोल करके। बट यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे कि इन लोग को देख रहा है कि अंकुल को कुछ भी नहीं दिख रहा, वो बाहर से मतलब मुंडी बाहर डाल के उन क्या मुझसे चला रहे वैसे गाड़ी, क्योंकि बोलते आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में भी दिख रहा है कि आगे को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कुछ भी, वो अंकुल कैसे चला है उनको ही मालूम। हम लोग को तो हमने तो समझे कि मैं तो समझ तो गाइस जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे दरगाह के पास आ गए हैं, हम भी हमने रेस्ट वेस्ट करके क्या मसो दरगाह की तरफ निकल गए। उसके बाद यहाँ पे दादा अभी 250 रुपये डाला था क्या मसो, चादर और नारियल रहता ना वो सब ले लिया है मैंने यहाँ से ले लेके। उसके बाद क्या मसो सीधा दरगाह के अंदर जाके फूल चढ़ा दिए,
फूल चढ़ा दे के उसके बाद बाहर आया। बाहर आके क्या मसा अगरबत्तियाँ भी रहता ना, अगरबत्तियाँ लगाने का भी रहता है यहाँ पे, अगरबत्तियाँ भी लगा देंगे। उसके बाद नारियल फोड़ दिए, नारियल ये दिख रहा ये इसमें क्या मसा हम लोग ने नारियल मार के नारियल फोड़ दिया। उसके बाद क्या मसा उसको कवर में डाल लेके उसके बाद यहाँ पे आके हमने इधर देखिए ये वाला वहाँ पे हम लोग ने अगरबत्ती वो रहता ना वो वाला लगा दिया। उसके बाद अंदर जाके ज़ियारत कर लेके वहाँ से बाहर आ गया। थोड़ी आधा एक घंटा कुछ बैठा मैं अंदर अंदर। उसके बाद फिर बाहर आके क्या मौसम ये जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है गाइस, ये है दादा सराने की दरगाह, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मतलब यहाँ पे शेर आते थे, शेर आके क्या मौसम मुझे बैठते थे ना इनको वो था वो, तो वहाँ पे शेर आके उनके साथ भी बैठते थे। यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है गाइस, यहाँ पे खिलौने भी मिल जाते आपको, जो भी चाविस की चीज़ें हैं दरगाह की चीज़ें हैं तो हरे रहते ना हो सो भी यहाँ पे देखिए, खिलौने वगैरह सब चीज़ मिलती है आपको यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी नहीं मिल सकता, बहुत ही अच्छे है। आए तो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होता है कि मतलब चीज़ें थोड़े स्पिरिचुअलिटी के भी चीज़ें रहती है। अपन क्या सोचते कि ज़्यादा कुछ साइंस वगैरह में भी जाते ना तो उतना वो नहीं रहता, तो स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें भी करना पड़ता है अपनी सोच को अच्छी करने के लिए। तो इतना ही गाइस।